बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हारून अब्बासी। नाज़रीन इकराम, इमरान ख़ान साहब ने एहतसाब अदालत के अंदर जिस जज के सामने कुरान पाक की उस आयत का तर्जमा पढ़ के सुनाया था, और जज मोहम्मद बशीर एहतसाब अदालत के ये जज हैं, इनकी तबीयत हो गई थी ख़राब। उसी वक्त इनकी तबीयत हो गई थी ख़राब, इनके सर में दर्द शुरू हो गया था। इन्होंने अपने स्टाफ को कहा, मेरे सर में शदीद दर्द है और मेरा ब्लड प्रेशर लो होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। फिर हुआ कुछ यूँ, वहाँ पर मौजूद जो सहाफ़ी थे, अडयाला जेल के अंदर ये समात हुई थी और इमरान ख़ान साहब वहाँ पर मौजूद थे, और देखने वाली आँख ने देखा कि इधर इमरान ख़ान साहब ने आयत का तर्जमा क्या पढ़ के सुनाया, और जज को झंझोड़ा है, उसके ज़मीर को झंझोड़ा है, और वो काम ऐसा कर गई है कि वो उस वक़्त बीमार हुए, उनकी तबीयत ख़राब हुई, वो दो दिन हस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे, और अब उनके हवाले से एक बड़ी दरख्वास्त सामने आ चुकी है। और लग ऐसे रहा है कि इमरान ख़ान साहब की वो जो आयत थी उसका तर्जमा पढ़ के जो सुनाया है उन्होंने, और उसके बाद इमरान ख़ान साहब ने दोबारा जो आज़म खान पर भी ये चीज़ काम की, क्योंकि इमरान ख़ान ने जिस तरह से एक प्लानिंग से ये सारा कुछ किया है, वो इंसाफ जिसके दिल में ईमान की रत्ती भी हो और इंसाफ के मनसब पर वो बैठा हुआ शख्स हो, उसके दिल में ज़रूर लगती है। अब जज मोहम्मद बशीर साहब ने हाथ खड़े कर दिए इस पूरे गंदे गलीज सिस्टम के साथ, इस कदर गलीज सिस्टम जिससे गंदगी की बदबू आ रही है, इस गंदे गले सड़े निज़ाम से, कि इसको तेज़ाब से भी धोएं अगर, इसको आग लगा देनी चाहिए इस गंदे तरीन जो सिस्टम में जिस वक्त इस मुल्क में ये मुल्क हमारा चल रहा है। इस सिस्टम में अच्छे लोग भी हैं। जज जो मोहम्मद बशीर हैं, इन्होंने अब जो है दरख्वास्त दे दी है वजारत कानून को कि मैं जा रहा हूँ छुट्टी में, मार्च में ये रिटायर होने लगे हैं, 2024 मार्च में, दो ढाई महीने मुझे दे दो सुकून, मैं इमरान ख़ान साहब के जो केसेस हैं वो नहीं सुन सकता, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं रिटायरमेंट तक अल्लाह हाफिज़ करना चाहता हूँ। और इन्होंने ये दरख्वास्त दी है वजारत कानून को, इससे जुड़े हुए इनकी अदालत से जो केसेज हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अब इनको दरख्वास्त में छुट्टी मिल जानी है और इन्होंने निकल जाना है, ठीक है। इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, एक्चुअली ये बीमार नहीं है, इन्होंने बीमारी की दरख्वास्त में बीमारी का लिखा है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन वो किस तरह के बीमार हैं ये आपके सामने, क्योंकि अब इन्होंने हाथ उठा लिए हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जुल्म नहीं हो सकता मज़ीद, ये अपनी कब्र गंदी नहीं कर सकते, क्योंकि जब इमरान खान साहब ने इनको कुरान की आयत का तर्जमा बताया उसके बाद हालात बदल गए। यही चीज़ इमरान खान ने कहा कि आज़म खान कुरान पर हाथ रख के हल्फ दे दें साइफर केस में, तो उस वक्त के जो उस वक्त जज थे, परसों की बात है ये, अबू अल असनात, इन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, हम अभी कुरान मंगवा लेते हैं, आप कुरान मंगवा लें, आज़म खान को दिया गया और कुरान पर हाथ रख के आज़म खान ने जो स्टेटमेंट दिया वो इमरान खान के हक़ में चली गई। इससे पहले आज़म खान ने जो स्टेटमेंट दी थी वो इमरान खान के ख़िलाफ़ थी, इसीलिए साइफर केस में जो है वो ये लोग बहुत ज़्यादा उछल रहे थे और उम्मीद ये कर रहे थे कि आज़म खान जो है वादा माफ़ गवाही दे देगा, और ये जो जिस तरह से कानूनी तरीके होते हैं, तो इमरान खान की उसने हमायत कर दी, उसने कहा कि साइफर एक हकीकत है, और दूसरी बात कि इमरान खान ने जलसे में जो पेपर लहराया था मुझे नहीं पता था, इमरान खान कह रहे थे कि वो साइफर है, और जो जो इमरान खान ने बातें की कि साइफर जो है काबीना में गया, आर्मी चीफ ने देखा, फिर वजारत खारजा से ये वजारत कानून में गया, फिर एस्टेब्लिशमेंट के पास गया, फिर अमेरिका को इसकी जो है वो मजम्मत की गई है, तो जनरल बाबा इफ्तखार ने भी कहा था, तो ये ढकी छुपी चीज़ें नहीं थी, लेकिन वो भी काम कर गई। अब ये कुरान मजीद की आयत का तर्जमा जब इमरान खान ने पढ़ा तो वो जज तो हाथ खड़े कर चुके हैं। अब उनसे जुड़ी हुई खबरें ये हैं कि अब अलकादिर ट्रस्ट जो है वो केस भी ख़त्म होने जा रहा है, वो भी टोकरी में जा रहा है कचरे की, उसके भी कागजात, और साइफर केस तो वैसे ही रद्दी की टोकरी में चला गया, ठीक है। इन जज साहब से दो केस जो जुड़े हुए थे वो चले गए। एक और केस बड़ा इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ही इमरान खान को टॉर्चर करने की कोशिश की गई और उसके ख़िलाफ़ हल्लड़बाजी की इंतहा की गई, तमाम जो है वो किराए के सहाफ़ी और तमाम जो इनके मुखालफीन हैं वो एक पेज पर खड़े आ गए कि घड़ी चोर तोशा खाना केस के हवाले से घड़ी चोरी कर दी है जी, घड़ियाँ चोरी हो गई हैं, ये चोरी हो गई, वो खुद जो है गलीज़ हरकतें करते रहे हैं, और जिन्स जो जो सहाफ़ी ये बातें कर रहे थे नाज़रीन कराम, वो तोशा खाना से पैसे दे के जो है वो सरकारी बेस पर गिफ्ट लेते रहे हैं, तमाम वज़रा आज़म ये काम करते रहे, मरियम नवाज़ बग़ैर किसी अहदे के चीज़ें लेती रही हैं, किस मुँह से ये बात करते हैं, ये सारा इस गंदे सिस्टम से जुड़ी हुई चीज़ें,
क्योंकि इनको कानून पकड़ने वाला क्यों नहीं है, क्योंकि सिस्टम इन्होंने इतना गंदा किया हुआ है कि वो एक इंसान की ज़ातियात पर जो है किरदार पर कीचड़ उछाल रहे हैं। तोशाखाना केस, अलकादर ट्रस्ट और साइफर केस, तीनों केस जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं वो छुट्टी पर गए हैं, और इधर वो छुट्टी पर गए उधर वो कचरे की टोकरी में तीनों केस चले गए। साइफर का तो वो फैसला खुद ही अतर मिनल्ला साहब ने दे दिया, और दो केस हो रहे हैं वो जज बशीर साहब की अदालत में, तो वो तो जब जा रहे हैं तो वो तो कचरे के ढेर में चले जाएंगे। बहरहाल इमरान खान साहब की जो है रिहाई की उम्मीदें और वो जो ट्रैक है वो अब रास्ता इमरान खान का साफ होता जा रहा है, और उम्मीद यही की जा रही है बहुत जल्द इमरान खान साहब जो है वो हमारे दरमियान होंगे इंशाल्लाह, और वो अदालत से बाहर आएंगे, और जब वो अदालत से बाहर आएंगे तो फिर कमाल ही हो जाएगा। जिस तरह उन्होंने कल कहा था अदालत में, जिस दिन उन्होंने सीसीटीवी पे जो है वो देख कहा कि कर्नल साहब इमरान बोल रहा हूँ मैं, उसी दिन उन्होंने कहा कि मैं इनसे ये कहता हूँ कि इलेक्शन से सिर्फ 4-5 दिन पहले मुझे बाहर निकालें, मुझे एक जलसा करने की इजाज़त दे दें। अगर ये कहते हैं ना इतने ये इनमें इतनी तप्पड़ है तो मुझे एक जलसा करने की इजाज़त दे दें, फिर देखें मैं करता क्या हूँ। और कौम के सामने है सारी चीज़ें, उसका सबूत मैं आपके सामने भी रखता हूँ। इमरान खान के अदना से वकील हैं शेर अफजल मरवत, वो कराची जाते हैं, पूरा कराची उमड़ आता है, आपने क्लिप्स देखे होंगे। आज की बुनीर में इमरान खान साहब के सिपाही हैं, अदना से वकील हैं, इस वक्त बानी जो सॉरी इस वक्त चेयरमैन पीटीआई हैं जो गौहर खान साहब, उन्होंने बुनीर में इलेक्शन कंपेन के हवाले से एक छोटा सा जलसा करने की कोशिश की तो वो तो उमड़ आया और जगह बिल्डिंग भर गई। वो क्लिप्स मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। ये हालात हैं इस वक्त, कौम उमड़ के बाहर निकल आई है और इस वक्त इमरान खान के नज़रिए के साथ जुड़ी है। दूसरी तरफ जिन लोगों का इमरान खान के मुखालफीन हैं उनकी क्या सूरत हाल है, वो बेचारे इस कदर डिप्रेशन में चले गए हैं कि हो क्या रहा है। नवाज शरीफ बुलाए थे इधर और कहा था कि वज़ीर आज़म बनाएंगे और अवाम का ठाठे मारता समुंदर निकलेगा। हाफसाबाद में जलसा किया नून लीग ने, नाकाम। ओकाड़ा में जलसा किया, नाकाम। इंतहाई बदतरीन इनको तमाचे मारे हैं कौम ने, और ये बदला इंशाल्लाह 8 फरवरी वाले दिन तक इनके साथ इसी तरह होता रहेगा। और उसके बाद ये वोट कैसे मांग रहे हैं, मरियम नवाज़ का भी क्लिप मैंने देखा, उसके बाद बिलावल का भी क्लिप देखा, और फजलुर रहमान के लोग भी जिस तरह से वोटें मांग रहे हैं। एक तरफ मैं आपके सामने ये साबित कर चुका हूँ और आपने खुद देख लिया है कि जिस तरह से इमरान खान के चाहने वाले लोग, इमरान खान की मोहब्बत में लोग जिस तरह बाहर निकले, और लोगों को ये टेंशन है कि हमारा वोट किसी गद्दार और किसी कमीने लोग बंदे को ना चला जाए, वो इमरान खान को के ही बंदे को जाए, वो इस फिक्र में गलती से भी ये काम ना हो। दूसरी तरफ ये किस तरह वोटें मांग रहे हैं, ये तीनों क्लिप आप देखें, मैं इस वीडियो के साथ एंड में जोड़ देता हूँ। इन शॉर्ट मैं ये बता दूँ कि मरियम नवाज़ कह रही थी कि मैं तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को दावत देती हूँ, आप हमारे साथ शामिल हो जाओ। वो मिन्नतें कर रही हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को हम शामिल कर लें, और जिस पे राहत इंदौरी का शेर जो है साथ जुड़ा हुआ है लोगों ने, कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो ये बड़ा फिट बैठता है मरियम नवाज़ के इस क्लिप पर कि वो कह रही थी कि मैं तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को दावत देती हूँ, तो फिर उनको यही जवाब है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो लोगों ने तो इमरान खान साहब के साथ ये अहद कर लिया है और जो है रिश्ता जो जोड़ लिया है वो तो उस पे तो कोई दड़ाड़ आ ही नहीं सकती है, तो दिन ब दिन इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। फजलुर रहमान का एक कोई मीटिंग थी, पता नहीं जलसा हो रहा है या क्या हो रहा है, उसमें बंदा क्या कहता है और उनका जो है मकामी अहदेदार है वो कह रहा है जन्नत की टिकटें लेनी है तो फजलुर रहमान को वोट देनी है। बिलावल कहता है कि तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को मैं ये कहता हूँ, उनके कारकुनों को ये कहता हूँ कि शेर को अगर गिराना है तो तीर पर मोर डालनी है। ये सारी चीज़ें मैंने क्यों डिस्कस की, मैं तीनों क्लिप आपके साथ लगाऊंगा। ये खुद मान चुके हैं कि यार तहरीक-ए-इंसाफ का जो वोटर है वो पूरे मुल्क में है, 80% लोग जो हैं, 80% जो आबादी है इस मुल्क की वो तहरीक-ए-इंसाफ के साथ और इमरान खान के साथ जुड़ी है। तो इन्होंने ये राहें निकाली हैं कि हैं तो यार वो अब उनके बंदे, उनके वोटर हैं, तो किसी तरह उनको बेवकूफ़ बना के जो है चिकनी चपड़ी बातें करके अपनी तरफ ले आए, धोखे से ही ले आए, लेकिन ले आए, क्योंकि हमारा असली वोट तो है ही नहीं, जो जलसे करके मुंह पे चपेड़ें पड़ गई हैं इनके। बहरहाल इंशाल्लाह इमरान खान साहब की रिहाई भी बहुत ज़्यादा करीब है, और इमरान खान साहब के लिए रास्ते जिस तरह से अल्लाह ताला खोल रहे हैं वो हमें रोज़ दिन गुजरता है, तो इमरान खान जिस कॉन्फिडेंस में समात में आते हैं और जिस तरह से वो जुमले कसते हैं इन लोगों को, वो उनका कॉन्फिडेंस भी बता रहा है कि अल्लाह ताला उनकी मदद कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।
कहते हैं बाज लोग जन्नत की टिकटें बांट रहे हैं, तुम्हें क्या मालूम मौलाना फजल रहमान क्या है। रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ, मौलाना फजल रहमान को वोट देना जन्नत की दलील है। मैं आगे बढ़ती हूँ और तहरीके इंसाफ के नौजवान को मोहब्बत का पैगाम देती हूँ। आओ मरियम नवाज का साथ के बुलाती है मगर जाने का नहीं।